कानूनी विवाद में उलझे मराठा आरक्षण को लेकर प्रधानमंत्री मोदी से मिले महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे, डिप्टी सीएम अजीत पवार और कांग्रेस नेता अशोक चौहान भी रहे मौजूद। सीएम ने पीएम से की 10 मांगों पर चर्चा। पीएम मोदी उद्धव की मुलाकात पर बोले बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस, पूर्व सीएम का तंज। मराठा आरक्षण को लेकर प्रधानमंत्री से सीएम की मुलाकात प्री मैच्योर, बिना तैयारी मराठा आरक्षण पर गंभीरता दिखाने का औचित्य नहीं। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार थमी, ब्रेक द चेन के तहत रात 10 बजे तक सभी दुकानों को खोलने की छूट। बार रेस्टोरेंट को 11 बजे तक खुली रखने की परमिशन, सुबह 5 बजे से 9 बजे तक खुले रहेंगे उद्यान। ब्रेक द चेन के तहत मुंबई और नई मुंबई समेत तमाम उपनगरों में साप्ताहिक बाजारों पर पाबंदी जारी। फिलहाल नहीं खुल सकेंगे साप्ताहिक बाजार, मछली बाजार और भाजी मार्केट को नियंत्रित भीड़ के साथ चलाने की परमिशन, नियम टूटा तो लगेगी सख्त पाबंदी। नवी मुंबई में मिशन ब्रेक द चेन के लेवल 2 के लिए मनपा आयुक्त ने जारी की नई गाइडलाइंस। 14 जून तक डीमार्ट, रिलायंस फ्रेश, बिग बाजार, स्टार बाजार जैसे डिपार्टमेंटल स्टोर्स को खोलने की मंजूरी, लेकिन सख्त होगा नियमों का पालन। उल्लंघन करने पर 50,000 की लगेगी पेनाल्टी। नवी मुंबई में शादी समारोह में अब शामिल हो सकेंगे 50 लोग। मनपा ने जिम्स, ब्यूटी पार्लर, स्पा और वेलनेस सेंटर को 50% क्षमता के साथ प्रारंभ करने की दी छूट। नियमों का उल्लंघन हुआ तो लगेगी 10,000 की पेनाल्टी। बच्चों में कोविड संक्रमण को रोकने आशा वर्कर की होगी जिम्मेदारी। मुख्यमंत्री ने की विशेष सावधानी बरतने की अपील। कोरोना की तीसरी संभावित लहर से बचाने महाराष्ट्र सरकार तैयार, सीएम उद्धव ठाकरे ने दिलाया भरोसा। मराठी भाषा को अभिजात्य भाषा का दर्जा दिलाने महाराष्ट्र सरकार की केंद्र से मांग। बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने सरकार की मांग को सराहा, बोले हर जरूरी मदद करेगी बीजेपी, अनुसूची में शामिल कराने की पहल शुरू। पुणे अग्निकांड से प्रभावित एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने सुझाया महाराष्ट्र में अलग टास्क फोर्स बनाने का आइडिया। आग की घटनाओं को लेकर अलग बनेगा टास्क फोर्स तो नियंत्रित होगी घटनाएं, सेवाओं के एडवांसमेंट और आकलन में मिलेगी मदद। महाराष्ट्र के अमरावती की सांसद नवनीत राणा का जाति प्रमाण पत्र बॉम्बे हाईकोर्ट में हुआ रद्द। शिवसेना के पूर्व सांसद आनंद राव अड़सूल ने पटाखा फोड़कर मनाया जश्न, नवनीत से चुनाव में हार गए थे अड़सूल। थाने रायगढ़ में मानसून की दस्तक, घंटों तक चली मूसलाधार बारिश। महाराष्ट्र में 11 जून के बाद मानसून आने की है संभावना, जोरदार बारिश से बदला मौसम का मिजाज। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।